गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग सेफ होंगे, सही सलामत होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे वो इंसान जिसके बारे में आप सोच के यहाँ पे पाइल चूज करोगे, वो इंसान आखिर आपको इस जन्म में क्यों मिला। कहते ना, हम सब जब जन्म लेते हैं उससे पहले हर आत्मा जो है कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आती है कि मैं आपसे मिलूंगा, मैं उनसे मिलूंगा। तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आप उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए हो? क्या कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है? और अगर है तो वो क्या है? क्या काम है जो आपका उनके साथ अधूरा रह गया? ऐसी कौन सी चीजें जो हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बाकी है, या कुछ ऐसी चीजें जो आप जानना चाहते हो? तो यहाँ पे मैंने आज चार पाइल तैयार किए हैं। ग्रुप नंबर 1 पीस, ग्रुप नंबर 2 टैक्सी, ग्रुप नंबर 3 डांसिंग, ग्रुप नंबर 4 वॉकिंग। आप आराम से पाइल को देखिए और जो पाइल आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है, आंखें बंद करके इंट्यूशन की मदद से आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन लाइए कि मेरे क्वेश्चन का जवाब कहाँ है, मेरा जवाब कहाँ है, और उसके बाद अपना पाइल चूज कीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पीस सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो है वो क्या कहते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड देन 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मेंडिंग एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो है वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, जिस भी इंसान को लेके आपने ये ग्रुप चूज किया है, हो सकता है वो आपका स्पाउस हो, आप लोग मैरिड हो, आपका जीवन साथी है, पति या पत्नी हो, या फिर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन टाइप जोड़ी होती है ना, मुझे वो लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और आपके बारे में सबसे पहले बताना चाहूंगी कि आप जो हो, आप काइंड ऑफ दानी इंसान हो, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, लोगों के दुख दर्द आप बहुत अच्छे से समझते हो, मॉनेटरी बेनिफिट्स, लोगों को दान करना, आप इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो। यू आर वेरी मच काइंड एंड जेनरस, ठीक है। और जिसके बारे में भी सोच के आपने ये पाइल चूज किया है, वो इंसान कहीं ना कहीं उसको हमेशा गाइडेंस की जरूरत रहती है। उसको ना कभी जो जिसके बारे में भी आपने सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ा सा डियर फियर रहता है, सॉरी, कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट रहता है। किसी भी चीज को करने से पहले बहुत बार सोचते हैं, कोई भी काम ना एकदम से फटाफट नहीं करते हैं, काइंड ऑफ ना हमेशा ट्रैप्ड रहते हैं। उनके अंदर कोई भी काम करने से पहले ना नेगेटिव विचार थोड़े पहले आते हैं, और उन्हें हमेशा कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है। वो कोई भी काम करेंगे तो उन्हें लोगों से पूछ के, मतलब सजेशन, लोगों के एडवाइस से, मतलब उनकी, तभी वो आगे काम करते हैं। कोई भी रिस्क एकदम से जल्दी नहीं लेते, ठीक है। इस टाइप के इंसान है, कोई भी काम अगर करना भी हो ना तो वो पहले पूछेंगे अपने रिलेशन वालों से। काइंड ऑफ थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट है जिनके बारे में भी आपने सोचा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहली बात, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है पक्का, श्योर 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 आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और पास्ट लाइफ में आप दोनों ना, ठीक है, आप दोनों की जो हालत थी ना, मतलब फाइनेंशियली हालत जो थी वो कहीं ना कहीं कमजोर थी। आप दोनों बहुत ज्यादा रिच नहीं थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ पास्ट में, जो आपका पिछला जो जन्म था, उनमें आप दोनों पति पत्नी थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गरीबी देखी आपने, बहुत ज्यादा तकलीफें देखी, फिजिकली भी तकलीफें देख सकते होंगे अगर आप, मतलब ना काइंड ऑफ लाइक हेल्थ वाइज भी इश्यूज थे आपके, और पैसे भी ज्यादा नहीं थे,
और ज्यादा लोगों का साथ और सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है। और कहीं ना बहुत पिछले जन्म की बात कर रही हूँ मैं, पिछले जन्म में आपके कुछ अच्छा हुआ भी होगा, तो आप लोगों में से शायद आपके जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, उन्होंने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। देखिए, आपके जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनके लिए अभी प्रेजेंट लाइफ के लिए कार्ड है ये और पास्ट लाइफ के लिए कार्ड है ये। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें एक चीज बता रही है कि मतलब लाइक वो कहीं ना कहीं सैड और डिप्रेस्ड रहते हैं। मतलब कहते हैं ना, कोई ऐसे इंसान होते हैं जो हमेशा ही थोड़े से सैड डिप्रेस्ड रहते हैं, हर चीज में ना नानुकुल करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश खुश नहीं रहते हैं, हर चीज को एकदम एंजॉय के साथ और एंजॉय के साथ नहीं जीते हैं, जिंदगी जीते नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़े से ना मायूस से रहते हैं। लाइफ उनकी थोड़ी सी काइंड ऑफ डिप्रेस टाइप रहती है। और उसी के कंपैरिजन में जो आप हो ना, आप कहीं ना कहीं बहुत, आपका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। आप शायद हो सकता है कि आप जो पिछले जन्म में शादी से पहले आप अच्छे परिवार से थे, ठीक है, बट शादी के बाद आपकी जो कंडीशन है ना, वो अच्छी नहीं रही, ठीक है, बट यू आर वेरी काइंड एंड जनरस, ठीक है। एंड हो सकता है कि अभी आप दोनों की कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है, या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं किसी पार्टी में मिले हो, किसी की शादी में मिले हो, कोई ना कोई सेलिब्रेशन में मिले हो जहां पे बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसी जगह पे आप दोनों मिले हो, ठीक है। एंड जब आप दोनों मिले हो, ठीक है, जब आप उनकी लाइफ में गए, ठीक है, आपकी बात कर रही हूं मैं, जब आप उनकी लाइफ में कदम रखा आपने, तब उनकी जो लाइफ है वो चेंज हुई है, तब उनकी लाइफ, उनका लक जो है ना वो चला है, ठीक है, तब उनकी किस्मत जो है वो पलटने लगी है, ठीक है। और क्योंकि आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं जब आप दोनों फैमिली में लाइफ में थे, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं जब आप इस प्रेजेंट लाइफ में जब आपने जन्म लिया, तो आपने ना शायद भगवान जी को बोला होगा कि भगवान जी प्लीज मुझे ना हमें अब पैसा चाहिए। तो अभी इस प्रेजेंट लाइफ में आप क्यों मिले, उसके लिए रीजन है, क्योंकि देखो आप दोनों का तो मिलना तय है, क्योंकि आप दोनों काइंड ऑफ सोलमेट हो, पिछले पिछले जन्म की जोड़ी है, बट इस टाइम आप इसलिए मिले ताकि आप वो सारे ऐशो आराम एंजॉय कर सको, वो लाइफ एंजॉय कर सको, वो लग्जरी एंजॉय कर सको, वो हैप्पीनेस एंजॉय कर सको जो आपके पास लाइफ में ना नहीं थी। देखिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए आपके कार्ड आए हैं 10 ऑफ कप्स, बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड आए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो दिस इज फॉर श्योर कि जब आप उनकी लाइफ में कदम रखा आपने, जब आपके साथ आप दोनों की शादी हुई या आप दोनों का कॉन्टेक्ट स्टार्ट हुआ, तब उन दूसरे सामने वाला जो इंसान है उसका किस्मत जो है ना वो पलटी होगी, उसके लक जो है वो अच्छा चलने लगा होगा, उनके पास पैसा आने लगा होगा, अगर उनका बिजनेस था तो बिजनेस चलने लगा होगा, सब कुछ, सारी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपके साथ साथ उनकी लाइफ में आई, सारे विशेष, सारे होप्स, सॉरी, सारे विशेष, सारे होप्स फुलफिल हुए, मतलब गाड़ी, पैसा, शोहरत, मकान, एवरी लग्जरी सब। अगर अभी नहीं है तो आप दोनों की लाइफ में ना जल्दी ही पैसा, सब मकान, सब अच्छा अच्छा आने वाला है, मतलब लाइक आप दोनों बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जियोगे। मतलब तीनों कार्ड इतने पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप दोनों इस जन्म में मिले हो क्योंकि पास्ट लाइफ में आप वो सारी चीजें एंजॉय नहीं कर पाए, अब आप वो सारी चीजें एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, एक फैमिली की जो सुकून वाली लाइफ होती है ना वो एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है। अगेन देखिए, मेंडिंग हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है या जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उन्हें आप कहीं ना कहीं गाइड करते हो कि जब भी वो कभी परेशान होते हैं, जब भी उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, मैं क्या करूं, तब आप उनको हेल्प करते हो। ऑल्सो जब वो दुखी होते हैं, जब उनका दिल टूटता होगा, जब इमोशनली वो ज्यादा परेशान रहते हैं, तो जब भी वो जब परेशान रहते हैं, सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तब आप उनकी मदद करते हो। आप दोनों की लाइफ में ना आप कहीं ना कहीं आपका रोल बहुत ज्यादा है उनकी लाइफ में, ठीक है, आपके बिना उनकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत सैड और डिप्रेस्ड सी है। तो हर चीज में ना हर चीज का पॉजिटिव साइड आप दिखाते हो उनको, ठीक है, ये चीज पक्की है।
अनफिनिश्ड सिम्फनी. इट इज लाइक कि पिछले जन्म में कुछ आपका अधूरा काम रह गया था. हो सकता है कि पिछले जन्म में आप दोनों में से कोई कोई काम करता था, वो काम नहीं चला, जिसकी वजह से ये पॉवर्टी आई थी पिछले जन्म में ना. तो वो पॉवर्टी को हटाने के लिए, वो अच्छी लाइफ जीने के लिए आप दोनों ने फिर से जन्म लिया और आप दोनों अभी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जियोगे, बहुत ही बढ़िया खुशहाल, ठीक है. घर परिवार पैसे बच्चे सारे सुख आप दोनों को मिलेंगे, ठीक है. ओके. ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हो, आप दानी इंसान हो, ठीक है. आपने बहुत, मतलब आपने लोगों की बहुत हेल्प करी है. आपके जो पुण्य कर्म है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से ये सारी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में. दौलत, दौलत पैसा शौहरत जो भी आप होंगे ना, वो सब इसलिए आएंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है लाइफ में, ठीक है. आपने लोगों के दुख दर्द समझे, लोगों को हेल्प. आपका ओरिजिनल नेचर ही ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाते हो तो लोगों को हेल्प करते हो, ठीक है. काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है आपका, ठीक है. और इस आपकी वजह से जो सामने वाला इंसान है उनका थोड़ा जीवन जो है वो उठा है, उनका जो जीवन है हैप्पी और प्रॉस्परस बना है. अगर नहीं बना है अभी तक तो बनने वाला है. जब भी आप उनकी लाइफ में जाओगे तो उनकी लाइफ में खूब खुशी आएंगी, खूब सारी हैप्पीनेस आएंगी. ओके. सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 1 पीस वालों की रीडिंग. आई होप आप मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करें, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय. ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी टैक्सी चूज करी है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं. ओके. किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द मून, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, इमेजिन, हियर एंड नाउ. ओके. नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो है वो क्या कहते हैं. सबसे पहली बात, आपने जिनके बारे में भी सोच के ये पाइल चूज किया है, ही इज लाइक वेरी मच, बहुत ही आइडियल, जो कहते हैं ना आइडियल पार्टनर जिसको कहते हैं, वो है, ठीक है. अपने इमोशंस तो है उनके अंदर खूब सारे, वो आपको प्यार भी बहुत करते हैं, बट उन्होंने अपने इमोशंस पे ना कंट्रोल रखते हैं. काइंड ऑफ बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत ही इवॉल्व, स्पिरिचुअली इवॉल्व जिसको कहते हैं ना, मतलब उनकी आत्मा की शक्ति बहुत अच्छी है, तेज है. और कहीं ना कहीं आप जो हो, आपका कहीं ना कहीं एंजेलिक हो रहा है, ठीक है. कहीं ना कहीं स्वीट, प्योर, इनोसेंट, डिवाइन, डिवाइन कहते हैं ना, डिवाइन हार्ट, दिल से एकदम मासूम, भोले, बिल्कुल बच्चों जैसे होते ना, बच्चों जैसे स्वीट सा इनोसेंट काइंड फेस जिसका होता है, ठीक है. भोले भोले से होते हैं, जिनको बिल्कुल प्यार करने की इच्छा होती है, वैसे लोग हो आप, ठीक है. कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक चीज की थोड़ी सी कमी है, वो है कि जब लोगों से फाइट करने की जरूरत पड़ती होगी, जब ताकत की जरूरत पड़ती होगी, जब फायर की जरूरत पड़ती होगी ना, तो कहीं ना कहीं आप जो हो ना, आपके अंदर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही एंजेलिक हो रहा हो, तो लड़ाई मार धार इन सब से आपका थोड़ा सा कनेक्शन कम है. और जो सामने वाला इंसान है ना, ही इज लाइक वेरी मच प्रोटेक्टिव, वो आपको भी बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. अगर आप दोनों अभी रिलेशनशिप में हो, जो मुझे नहीं लग रहा अभी आप दोनों रिलेशनशिप में हो, बट वो बहुत प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी है, किसी भी इंसान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दुनिया से लड़ सकते हैं. काइंड ऑफ उनकी जो स्पिरिट है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है. एंड यस, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पक्के से कनेक्शन है आप दोनों का. आप दोनों का पास्ट लाइफ पक्के से कनेक्शन है, और आप दोनों पास्ट लाइफ के ही जोड़े हो. पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तब ना दुनिया ने अगर अपोज किया ना, जब दुनिया कहते हैं ना, दुनिया तो हमेशा अपोज करती है, तो कहीं ना कहीं जब आप दोनों पास्ट में भी जब रिलेशनशिप में थे, आपकी पास्ट लाइफ की बात कर रही हूं मैं, पिछले जन्म की, तो पिछले जन्म में भी ना लोगों ने आप दोनों को मिलने नहीं दिया, ठीक है. आप दोनों बहुत डीप इमोशनल लव में थे, बहुत ही प्योर, बहुत ही स्ट्रांग लव में थे, बट
लोगों ने बहुत अपोज किया पिछले जन्म में भी, ठीक है, ये दोनों पास्ट लाइफ के कार्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप शायद आज जिनका भी जो भी बहुत सॉफ्ट इनोसेंट काइंड वाला जो इंसान है, मतलब है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फियर में आ गया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान हो गया जब लोगों ने अपोज किया ना। आप दोनों ने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दुश्मन देखे हैं, ठीक है, मतलब आप दोनों को लोगों ने मिलने नहीं दिया पास्ट लाइफ में भी, और आप दोनों अभी प्रेजेंट लाइफ में तब मिले हो जब शायद वर्क प्लेस में मिले हो आप दोनों, ठीक है, कोई वर्क प्लेस हो सकती है, ऑफिस या कोई भी ऐसी चीज, या फिर जब एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, शायद आप हो ये, जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे तब, मतलब जब आप दोनों मिले ना, तो वो सिचुएशन पता है कैसी थी? वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक इंसान को जब सपोर्ट की जरूरत थी, जब वो अकेला पड़ गया था और बहुत मेहनत कर रहा था और उसका कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था, तब शायद आपको सपोर्ट मिला है उनका, मतलब तब ऐसी सिचुएशन में मिले हो आप दोनों, ठीक है, जब एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था, और शायद ये आप हो सकते हो, ठीक है, और तब सामने वाले इंसान ने आपका सपोर्ट किया, ठीक है। बट अभी मुझे लग रहा है कि यार आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा चल नहीं रहा, मतलब आप दोनों हो एक दूसरे के लिए बने हुए, बट अभी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना धीमा पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर अभी जो रिलेशनशिप जो सा स्ट्रॉन्ग जो कहते हैं ना, मतलब आप दोनों की वैसी बातचीत कहते हैं बिल्कुल प्यार प्यार वाली बातचीत, शायद अभी नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, आप दोनों इस जन्म में क्यों मिले हो, इस जन्म में क्यों मिले हो, देखिए आप दोनों लवर्स हो, ठीक है, प्योर डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, मतलब बिल्कुल सोलमेट वाला कार्ड है, बिल्कुल ट्विन फ्लेम वाला कार्ड है, ठीक है, ये आप दोनों हो पास्ट लाइफ में, मतलब अभी प्रेजेंट में, और आप दोनों का लवर, आप दोनों का लव वाला रिलेशनशिप है, और क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है वो नहीं चल पाया, पास्ट लाइफ में लोगों ने अपोज किया, पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज्यादा दुश्मनों का सामना करना पड़ा, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते थे पास्ट लाइफ में, वो नहीं हो पाई, तो आपने फिर से जन्म लिया टू वापस से, ताकि आप दोनों खुशहाल जिंदगी जी सको, बेपरवाह जिंदगी जी सको, केयर फ्री वाली जिंदगी जी सको, एक दूसरे के साथ खूब सारा प्यार कर सको, ऐसी लाइफ आप चाहते थे, ठीक है। बट अभी भी शायद आप दोनों का कनेक्शन ना पूरा ऑन नहीं है, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और हाँ, आप दोनों इसलिए भी मिले हो ताकि आप एक लेसन सीख सको, टू बी स्ट्रांग, टू बी करेजियस, टू बी ब्रेव, ठीक है, लोगों का सामना कर सको, लोग जितने हार्श होते हैं तो आप भी इतने स्ट्रांग बन सको, इतनी टफ शेल अपनी डेवलप कर सको, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है, यहाँ पे ये रीजन है आप दोनों के मिलने का, ठीक है। आप दोनों इस जन्म में इसलिए मिले हो क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी लवर हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, और इस जन्म में भी आप एक न्यू बिगनिंग चाहते थे, जहां पास्ट लाइफ में आप दोनों को नहीं मिलने दिया, जहां पे पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, इसलिए इस प्रेजेंट लाइफ में आप दोनों एक न्यू बिगनिंग चाहते थे, एक बेपरवाह वाली। कहते ना कि जब दोनों मिलते हैं तो बहुत सारे लोग अपोज करते हैं, बट आप एक ऐसी लाइफ चाहते थे कि जहां पे आप दोनों खुशहाल केयर फ्री स्पिरिट हो सके, दोनों ट्रैवल कर सको, दोनों मस्ती कर सको, दोनों फिर से ना अपनी लाइफ एंजॉय कर सको, और आप स्ट्रांग हो सको, ठीक है, मतलब ये था आप दोनों के मिलने का वजह। बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों शायद रिलेशनशिप में हो, जस्ट बिकॉज शायद आप दोनों में से किसी का कोई कार्मिक इफेक्ट है, ठीक है, इसकी वजह से आप दोनों शायद साथ में नहीं हो, कुछ ना कुछ कर्मा है, या कुछ ना कुछ, देखो लीगल केस हो सकता है, या फिर आप दोनों में से किसी का कोई कुछ कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों शायद साथ में नहीं हो, ठीक है। और आप दोनों इसीलिए अभी जन्म भी आपने इसीलिए ले लिया ताकि आप दोनों फिर से मैनिफेस्ट कर सको, आप दोनों बिछड़े हुए जोड़े हो पिछले जन्म के, ठीक है। तो आपने ना जब आप आए थे दुनिया में तो आप कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए थे कि इस बार तो इस प्रेजेंट लाइफ में इस जन्म में हम
हमारी चीजें मैनिफेस्ट करके रहेंगे, हमने जो चीज सोची हम वो चीज करके रहेंगे, हम दोनों वापस साथ रहेंगे, ठीक है, और ताकि आप दोनों फिर से अपनी लाइफ हर एक एक पल जी सको, हर एक एक पल खुशहाल जी सको, केयर फ्री लव, लव जॉय हैप्पीनेस, मतलब ना ऐसी लाइफ जीना चाहते थे, बट शायद आप दोनों साथ नहीं हो, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। अगर आप दोनों साथ हो तो बहुत अच्छी चीज है, भगवान करे आप दोनों साथ रहो, खुश रहो और स्ट्रांग रहो, ठीक है, बट अगर आप दोनों साथ नहीं भी हो तो ये रीजन ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से एक इंसान का कुछ कार्मिक इफेक्ट बचा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये थी ग्रुप नंबर 2 टैक्सी वालों की रीडिंग, ठीक है, आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी डांसिंग चूज किया है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। 4 of Swords, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 8 of Cups, 10 of Wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Swords, टिकटॉक, लॉयल हार्ट, ट्रेजर आइलैंड, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, जिस भी इंसान को लेके आपने ये पाइल चूज किया है वो इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है, मतलब आपकी लाइफ में नहीं है, बहुत इनएक्टिव है, मतलब आपकी लाइफ में प्रेजेंस उनकी बिल्कुल भी नहीं है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप जो देख रहे हो ना उनमें से कुछ 1% लोगों के लिए वो शायद से पास आउट भी हो सकते हैं, मतलब इस लाइफ अभी नहीं है इस यहाँ पे ना, और आपकी लाइफ में उनका रोल अब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब खत्म हो गया रोल उनका ना, जो भी रोल था वो अब खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, मतलब अब उनका आपका और उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप काइंड ऑफ सिंगल हो, अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाते हो, अपने घर से लेके फाइनेंस को देखना, घर देखना, और हर चीज ना आप कहीं ना कहीं खुद करते हो, आप अलोन हो, अकेले हो, ठीक है, एंड जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो सकता है कि वो सेपरेट हो गया आपसे, या फिर आपकी लाइफ में अभी आपकी लाइफ में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और आप में से कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है कि पास आउट हो गए, कुछ लोगों के लिए, प्लीज आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है दे आर गॉन। अगर मैं बात करूं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन यहां पे दिख रहा है, देयर इज अ स्ट्रांग पास्ट लाइफ कनेक्शन। देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन के लिए जो कार्ड आया है वो है द डेविल, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है, हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों में से किसी ने किसी के साथ कुछ बहुत ही गलत किया है, बहुत ही बड़ा धोखा कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज करी है जिसकी वजह से ना ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये भी हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ में, मतलब पूरा पिछले जन्म में आप दोनों का ऐसा रिलेशनशिप था, अब्यूजिव टाइप का रिलेशनशिप था, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो कोई इंसान नहीं चाहता, वैसा रिलेशनशिप था, और आप कहीं ना कहीं आप या आपके हस्बैंड दोनों में से कोई आजाद होना चाहते थे इस रिलेशनशिप से ना, ऐसा रिलेशनशिप था, दोनों रिलेशनशिप में खुश नहीं थे पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में से में एक इंसान ने वॉकआउट किया, ये आप हो सकते हो या आपके जो भी आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, या आपका जो जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उन वो छोड़ के चले गए, ठीक है, ड्यू टू ऑल दैट प्रॉब्लम आपके पास्ट लाइफ के जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप था, और ये हो सकता है कि शायद आप छोड़ के गए हो क्योंकि अब्यूजिव टाइप का था, मेंटल और इमोशनल फिजिकल टॉर्चर शायद कुछ ना कुछ होता था, कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी थी, मतलब जो भी था पास्ट लाइफ था ये, ठीक है, बट हाँ शायद आप पास्ट लाइफ में इस रिलेशनशिप को छोड़ के चले गए थे, ठीक है।
और ऑल ड्यू टू दैट सो भी सारी प्रॉब्लम थी उसकी वजह से आप यू हैव गॉन. एंड अभी इस प्रेजेंट लाइफ में आप शायद हो सकता है कि आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई हो, या अगर आप दोनों मैरिड हो तो, या ये हो सकता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में मिले हो, या फिर कोई घर के आसपास कोई रिलेशनशिप में. हाँ यस, ऑनलाइन चैटिंग कोई ऐप, कोई डेटिंग ऐप, इंटरनेट, हो सकता है कि आप दोनों ऐसे मिले हो. ठीक है, और हाँ ऑनलाइन चैटिंग और ये सब तो ज्यादा दिख रहा है. ठीक है, चैटिंग ऐप, इंटरनेट, इन सब में से आप मिले हो. ठीक है, अच्छा अभी प्रेजेंट आप जब मिले हो, इस जन्म में आप जब दोनों मिले थे या मिले हो जो भी है, तो आपका क्या मतलब क्या रीजन था? रीजन ये था कि आप जो हो आप स्ट्रांग बन सको, आप अपनी लाइफ ब्रेवली करेजियसली जी सको. मतलब देखिए आपकी जो जर्नी है ना वो ऐसी है, फ्रॉम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मतलब जहां आप अकेले थोड़े उदास थे, सारी चीजें खुद कर रहे हो, वहां से आप इस पोजीशन में आ सको, अपनी ही स्किन में फिट होना, स्ट्रांग होना, मतलब ब्रेव. अगर अकेले हैं तो क्या गम है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन. मतलब बिल्कुल करेजियस होते ना, जो कोई भी इंसान कुछ बोलता है तो मुंह पे फट से जवाब देते हैं, किसी की बकवास सुनते नहीं है. मतलब ना वेरी स्ट्रांग, किसी की इमोशनली बातों में आने से पहले अपना दिमाग लगाते हैं. ठीक है, मतलब काइंड ऑफ बहुत ही पावरफुल सिचुएशन है. लोग आपको आपको यहां से यहां ट्रांसफर होना था, इसीलिए ये इंसान आपकी जिंदगी में आया. आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो सको, अपने पैरों पे आप खड़े हो सको, फाइनेंशियली आप शायद इंडिपेंडेंट हो सको, स्ट्रांग हो सको, और अपनी लाइफ अकेले मस्त रह के जी सको. ठीक है, मतलब स्ट्रांग वॉरियर टाइप जी सको. ठीक है, और मेंटली हो सकता है कि आप अकेले हो गए हो तो मेंटली आप स्ट्रांग हो सको. आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल ना, कितनी बार होता है ना जब हम लव में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो हम थोड़े से ना हमारा दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, बट जब हम अकेले होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, तब जब हमें सारे काम खुद करने होते तो हमारा दिमाग मेंटल लेवल जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो ये सारी जो जर्नी है, ये जर्नी आपको स्ट्रांग बनाने की है, आपको पावरफुल पोजीशन में लाने की है. और हाँ एक चीज और दिख रही है मुझे यहाँ पे कि किसी ने ये चीजें सेटअप किया है आपकी लाइफ में. ये इंसान जो आया है ना, ये सेटअप हुआ है. मतलब किसी ने, किसी की साजिश लग रही है मुझे, प्लीज आई एम सॉरी. ठीक है, मतलब किसी ने आपको आपकी लाइफ डाउन करने के लिए जबरदस्ती इस इंसान को आपकी लाइफ में लेके आए हैं. काइंड ऑफ ना आप लाइफ को नीचा करने के लिए, आपको डाउन करने के लिए, लाइफ को खराब करने के लिए. प्लीज आई एम सॉरी यार, मैं नेगेटिव वर्ड्स बोल रही हूँ, बट हाँ मुझे यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान लग रहा है जो आप दोनों के बीच में ना कहते हैं ना उसका दुश्मन का रोल, आपके पीछे कोई आपके पीछे ना है यहाँ पे, जिसने आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डेलिबरेटली ना ऐसे करी है. ठीक है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के वो आपको इस स्टेट में देख के उनको अच्छा लग रहा है. ठीक है, कहीं ना कहीं देखिए ये आदमी बहुत खुश हो रहा है ना इसको देख के, तो हो सकता है कि आपको जब हारा हुआ देखते होंगे तो वो उस इंसान को बहुत खुशी होती होगी. यहाँ पे स्ट्रांग प्रेजेंस लग रहा है, कोई इंसान है जो आपको खुश नहीं देखना चाहता. ठीक है, इसके अलावा आप जिसके बारे में सोच के आपने ये पहल चूज किया है, उसके अलावा कोई ऐसा इंसान है. ये जो आपका रिलेशनशिप था, ये डेस्टाइन था, ये फेटेड था, ये आपकी लाइफ में मतलब एक टाइम था जो आना लिखा हुआ था, इसको कोई नहीं बदल सकता. इट इज लाइक डेस्टिनी, इट इज फेटेड, ये आना ही लिखा था. ये आना इसलिए लिखा था ताकि आप अपनी लाइफ में जो लव होता है, जो लॉयल्टी होती है, जो डिवोशन होता है, उसकी वैल्यू जो है ना कहीं आप समझ सको. ठीक है, कहीं ना कहीं इन चीजों की जो अहमियत होती है ना लाइफ में, उन चीजों को आप और पहचान सको, उन चीजों को आप और नजदीक से देख सको. ठीक है, और कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, तब कहीं ना कहीं
मतलब गिफ्ट एक्सचेंज होते ना शायद से, मतलब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो शायद सामने वाले इंसान का या आपका किसी ना किसी के ना पैसे आए होंगे, किसी ना किसी का पैसा खूब अच्छा आया होगा, ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ट्रेजर आइलैंड। तो हो सकता है कि जो ये सामने वाला इंसान था, इसका पैसा बकाया था या आपका पैसा बकाया था, तो किसी के पैसे की पूर्ति हुई इस रिलेशनशिप की वजह से, किसी के फाइनेंशियल थोड़ा सा पैसा लिखा था, शायद आपको देना था उनको पैसा। ये भी हो सकता है कि शादी में, जब हम शादी होती है तो दहेज में या दहेज या जो भी गिफ्ट कहते हैं उसमें जो पैसा जाता है ना, वो पैसा शायद उन सामने वाले इंसान को गया, ठीक है। और पैसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में, इस जन्म में इसलिए मिले हो क्योंकि कुछ पैसा बकाया था। आप उस लव, प्योर लव, डिवोशन जिसको कहते हैं ना, जब इंसान सच्चा प्यार होता है तो सच्चे प्यार में सब कुछ करता है, वो जो वैल्यू होती है, वो जो चीज होती है ना, वो सेंसिटिविटी होती है, वो चीज आप समझ सको, वो आपकी लाइफ में इसलिए आए ताकि, ये प्री डेस्टिनी थी, ये एक फेटेड था, वो आपकी लाइफ में इसलिए आए ताकि आप स्ट्रांग बन सको। और हाँ, यहाँ पे किसी की साजिश लग रही है मुझे कि किसी ने जबरदस्ती ये पूरा गेम खेला है, पूरा ये गेम रचा है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर ये मतलब अगर आपको कुछ चीज बुरी लगी हो तो, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 डांसिंग वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। नंबर 4, जिन्होंने भी वॉकिंग चूज किया है, आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। 6 of Cups, Queen of Cups, Page of Pentacles, High Priestess, 8 of Wands, The Lovers, Queen of Wands, Strength, Queen of Swords, Strength, King of Swords, The Chariot, 3 of Cups, Never Ending Story, Observer, Peace and Thinker. Okay, now let's see आपके लिए कार्ड जो है वो क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, जिसके बारे में भी आपने सोच के ये पाइल चूज किया है, वो इंसान और आप दोनों कहीं ना कहीं वाटर साइन हो, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल, लविंग, केयरिंग, मदरहुड टाइप, मदर फिगर जो कहते हैं ना, हमेशा अच्छा सुनने वाला, बिल्कुल इम्पैथ, मतलब वेरी लविंग, प्योर, काइंड एनर्जी है, ठीक है आपकी। और जिनके बारे में भी आपने सोचा है वो भी इसी काइंड के हैं। जब आप दोनों मिलते हो तो मतलब बहुत होमली वाली फीलिंग आती है, मतलब ना आप दोनों के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, ऐसा लगता होगा जब आप दोनों मिलते होंगे तो, कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, इस काइंड की अटैचमेंट और इस काइंड की जो बॉन्डिंग है आप दोनों की है। और जब भी आप दोनों मिलते होंगे तो कोई ना कोई छोटे मोटे गिफ्ट जो है वो एक्सचेंज होते होंगे, या कोई एक दूसरे के लिए कुछ बना के लेके आ गया, या ऐसा कुछ। बहुत ही लविंग, प्योर, मतलब बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये आपको, आपका जो है मतलब आपको बहुत ही होमली फील कराता है, कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, मतलब वेरी, अगर आप जैसे भी हो वो आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इस काइंड की एनर्जी लग रही है, बहुत ही प्योर, जहां पे कुछ भी बनावट नहीं है, ठीक है, कुछ भी फेक नहीं है। ये हो सकता है कि आप दोनों, मुझे वर्क प्लेस पे लगता है, यहाँ पे 8 of Wands आया है, तो लग रहा है कि वर्क प्लेस में मिले हो कहीं ना, ठीक है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है यहाँ पे, मुझे फिर से लवर्स वाला कनेक्शन लग रहा है, फिर से ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला कनेक्शन लग रहा है आप दोनों का, ठीक है। मतलब आप दोनों की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं वो ऊपर से बनाई हुई जोड़ी है, जब आप धरती पे आए भी होंगे दोनों साथ में ही आए होंगे, मतलब लाइक इट इज लाइक दोनों का जो बॉन्ड है वो लव वाला बॉन्ड है, ठीक है। पास्ट लाइफ जो आपकी थी, मतलब इसमें पास्ट लाइफ में कुछ भी ऐसा ड्रामा नहीं लग रहा, पिछले जन्म में तो कोई ड्रामा नहीं लग रहा, पिछले जन्म में ऐसा लग रहा है कि आपका जो जिनके बारे में भी आपने सोच के करा है, वो कहीं ना कहीं पैसों को लेके वर्क कर रहे थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे बट ठीक पैसों पे वर्क करते थे, बट बहुत ही यंग और बहुत ही फ्री सोल,
और आप कहीं ना कहीं मेच्योर सोल हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल हो और चीजों को, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, मतलब मेटाफिजिक्स, अकल्ट, इन चीजों की शायद आपको में आप में थोड़ा इंटरेस्ट है, और जो सामने वाला इंसान है वो थोड़ा सा कहीं पैसों को लेके ना मनी माइंडेड तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ पैसों पे उनका फोकस ज्यादा रहता है, पैसों पे काम करते हैं, ठीक है। ये पास्ट लाइफ की चीज है। और इस जन्म में आप क्यों मिले हो, इस जन्म में तो देखो सबसे पहले आप इसलिए मिले हो क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं लवर वाला कनेक्शन है आप दोनों का, और इस जन्म में आप और इसलिए मिले हो कि हमारी जो भी जर्नी होती है, हम सबकी एक अलग अलग जर्नी होती है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने वाली जर्नी होती है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों स्ट्रांग हो रहे हो, शायद आप दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज करते होंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपटीशन और स्पिरिट टाइप वाली चीजें करते होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब लाइक आप दोनों एक दूसरे को सहायता करते हो स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, करियर में ग्रो करने के लिए, मतलब स्ट्रांग होने के लिए, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही मतलब जरूरी हो, ठीक है। आप सामने वाले इंसान को हेल्प करते हो और सामने वाला इंसान आपको हेल्प करता है, ठीक है, करियर वाइज ग्रो होने के लिए, लाइफ में ग्रो होने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, आप दोनों ही एक दूसरों की ना कमियां बताते हो, थोड़ा सा ना वेल विशर तो हो आप दोनों एक दूसरे के, पर छोटी छोटी कमियां ना आप दोनों एक दूसरे की बताते रहते हो, और इम्प्रूवमेंट वाली चीजें आप दोनों की चलती होंगी, मतलब काइंड ऑफ ऐसा बॉन्ड लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। बट हाँ एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तब मुझे एक चीज नजर आई कि यहाँ पे मुझे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है, देयर इज काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्योंकि देखिए आप भी स्ट्रांग हो और आपके जो भी आपने जिनके बारे में सोचा है वो भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, एंड यस देयर इज काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वैसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो शायद कहीं पार्टी वार्टी में मिली है, या कोई मीटिंग वीटिंग में मिली है, किसी फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉमन फ्रेंड्स में, कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। और आप दोनों काइंड ऑफ बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, मतलब आप दोनों वर्किंग हो सकते हो, फाइनेंशियली दोनों आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, काइंड ऑफ आप दोनों का दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, क्लेवर हो आप दोनों, क्विक एक्शन लेते हो, और आप भले ही बहुत इमोशनल हो, सामने वाला इंसान भी बहुत इमोशनल है, बट आप दोनों की जो जर्नी है वो इसीलिए साथ में है क्योंकि आप दोनों और तेज हो सको और अपनी लाइफ में आप और स्ट्रांग हो सको, आपकी जो जर्नी है ना वो और स्ट्रांग हो सके, ठीक है, बट आप दोनों का लवर वाला कनेक्शन है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ठीक है, और वो झगड़े बहुत छोटी छोटी बात पे होते हैं शायद, मतलब ऐसे झगड़े जो हमेशा ही होते रहते हैं क्योंकि आप दोनों की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हो, शायद से झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं एक इंसान दूसरे इंसान को पे स्पाई, मतलब नजर रखता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट्सएप चेक करना, चीजें चेक करना, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लग रही है मुझे, और बहुत ज्यादा सोचना, ठीक है, ये सारी चीजें लग रही है मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ना कहीं कुछ शक है आप दोनों के बीच में, या फिर झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, जो छोटी मोटी बातें ही झगड़े होने लग जाते हैं, कुछ बहसबाजी होती होगी, ठीक है, और देस नीड टू, तो आप दोनों शायद इस जन्म में फॉर पीस आप दोनों एक दूसरे के साथ में पीस बना के रखो, मेच्योर अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है, आप दोनों मेच्योर हो, आप तो स्पेशली बहुत मेच्योर हो, ठीक है, तो पीस बना के रख सको, लव वाला कनेक्शन बना के रख सको, एंड जो थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है ना वो मुझे लग रही है कि वो भी मुझे वाटर साइन लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना वो भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और आप दोनों में से ना किसी का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या कोई फ्रेंड है, ठीक है, एंड व्हाट एल्स, बस मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं लग रहा, बस हाँ पर ये है कि द लवर से बड़ा स्पेशल कार्ड क्या होगा कि हाँ आप दोनों का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम वाला और सोलमेट टाइप वाला कनेक्शन है, पर आप दोनों की जो एनर्जीज है वो जो
ओरिजिनल जो एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं बहुत लविंग प्योर काइंड हार्टेड है, ठीक है, बहुत एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी वाली, बट आप दोनों की जो जर्नी है, आप दोनों का जो जो जन्म आपने लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि आप और स्ट्रांग बन सको और तेज बन सको। शायद आप दोनों कहीं ना कहीं काइंड ऑफ भोली किस्म के हो, बट कभी कभी होते हैं ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें तेज होना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे जो आपको तेज बनाती है, जो आपके जो भी पार्टनर है उनको तेज बनाती है। अपनी गलतियों पे काबू पाना, मतलब बहुत ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पे लग रही है पर्सनालिटीज, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है, और आप शायद बहुत ज्यादा सोचते हो और बहुत ज्यादा छोटी मोटी बात पे झगड़े होते हैं। सो देर इज नीड टू बी पीस, शांति लाने की जरूरत है आप दोनों के बीच में ना, यहाँ पे पीस की जरूरत है, आप दोनों पीस में रहो। सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 4 की रीडिंग, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।